अमेरिकी हुकूमत ने टीबी पर काबू पाने के लिए 5 मोबाइल वैन्स और 3 जदीद एक्सरे मशीनें महकमे सेहत सिंध के हवाले कर दी हैं। पाकिस्तान में अमेरिकी सफी डोनल्ड ब्लूम कहते हैं, तालीम, सेहत और माहौलियाती तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ शोबाजात में हुकूमत पाकिस्तान से तआवुन कर रहे हैं। काजी हसन की रिपोर्ट देखिए। टीबी पर काबू पाने में अमरीका और पाकिस्तान साथ साथ। अमरीकी हुकूमत ने कराची के अस्पताल को 5 मोबाइल वैन्स और 3 जदीद एक्सरे मशीनें दी। औरंगी टाउन के कतर अस्पताल में तकरीब मुनक्किद हुई। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो ने मशीनें और गाड़ियां वसूल की। बिटवीन द पीपल ऑफ द यूएस एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान दिस नेवर एंडिंग रिलेशनशिप हैज लॉन्ग बीन एस्टैब्लिश्ड एंड विल कंटिन्यू टू फ्लरिश। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने बताया कि आइंदा साल मजीद 20 एक्सरे मशीनें हुकूमत सिंध को दी जाएंगी ताकि टीबी का मुकम्मल खात्मा हो सके। We also have a commitment in the next year to deliver 20 more of these diagnostic x-ray machines. Since 2021, we've spent about $47 million on tuberculosis-related health programs here. Part of a larger global effort the United States has been involved in with अमरीकी सफीर का मजीद कहना था कि सैलाब के बाद सेहत के काफी मसाइल सामने आए हैं। पाकिस्तान को पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ काजी हसन समा, कराची।